एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेमीज मेकअप वर्ल्ड एंड दिस इज रेमी। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन की रिव्यू एंड डिटेल्स प्लस एप्लीकेशन। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो के इनमें लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए ताकि आगे से जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप वो देख पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं प्रोडक्ट का डिटेल्स में नाम बताती हूँ। प्रोडक्ट का नाम है मेबेलिन फिट मी मैट प्लस पोरलेस फाउंडेशन प्लस एसपीएफ 22 है। मतलब इसमें एसपीएफ 22 भी है, इट मीन्स आप मॉर्निंग में भी ये यूज़ कर सकते हो। एसपीएफ है, आपको अलग से सनस्क्रीन की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। मेरी जो शेड है मैंने लिया है 128। प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो है 549 एंड क्वांटिटी है 30 ml। ये मैंने 30 ml वाला लिया है। पहले मैंने इसका जो छोटा पाउच में आता है वो भी मैंने परचेज़ किया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने बड़ा बॉटल लिया है। और मेरी जो शेड है वो है 128। प्रोडक्ट की पैकेजिंग के बारे में अगर मैं बताऊँ तो ये ग्लास बॉटल में आता है। ये देख ही सकते हो, बाहर से पता चल जाएगा आपको कौन सा शेड आपने लिया है। बहुत ही इजीली विजिबल है एंड ग्लास के बॉटल में है एंड इसको ओपन करने पर पंप सिस्टम है तो इसीलिए मैंने ये परचेज़ किया है। अदरवाइज़ मैं पाउच वाला भी यूज़ करती थी तो उसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था, तो पंप सिस्टम वाला बहुत ही अच्छा है क्योंकि जितना क्वांटिटी आपको चाहिए आपको हाथ पे ले लेना है, उसके बाद आपको अप्लाई करना है, तो बहुत ही अच्छा एंड हाइजेनिक भी है। पंप सिस्टम बहुत ही हाइजेनिक होता है तो आई लव दिस प्रोडक्ट का पैकेजिंग बहुत ही अच्छा है एंड थोड़ा सा हैवी है क्योंकि ग्लास बॉटल में है। अभी बताते हैं टेक्स्चर के बारे में। इसका जो टेक्स्चर है बहुत ही क्रीमी टेक्स्चर है, लिक्विड नहीं है, क्रीमी थोड़ा सा थिक टेक्स्चर है। इसमें जैसे कि बताया गया है कि मैट प्लस पोरलेस फाउंडेशन है या ये सही है, एकदम मैट फिनिश देगा आपकी स्किन को और इजीली अप्लाई हो जाता है, बहुत ही अच्छे से स्मूथली ये अप्लाई हो जाता है। बट रिक्वेस्ट करूँगी ज़रूर इसको अप्लाई करने से पहले आप मॉइस्चराइज़र एंड प्राइमर यूज़ कर लीजिए क्योंकि इसमें इनबिल्ट प्राइमर नहीं है तो आपको अलग से प्राइमर यूज़ करना होगा, देन आपको ये प्रोडक्ट यूज़ करना होगा। एंड इसमें बताया गया है कि ये पोरलेस फाउंडेशन है तो यह सही बात है। अगर आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा पोर्स है, ओपन पोर्स हो गए हैं तो आप निश्चिंत से ये अप्लाई कर सकते हैं, आपकी स्किन की पोर्स को ओपन नहीं रखेगा, क्लॉक करके प्रॉपरली फिट हो जाएगा आपके स्किन पर, एकदम इजीली स्मूथ स्किन आपका लगेगा दूर से एंड बहुत ही मैट टेक्सचर देगा। एंड ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन सभी स्किन के लिए है। तो जैसे कि पोरलेस फाउंडेशन है तो अलग से आपकी स्किन पे एक्ने या फिर पिंपल भी नहीं होंगे, तो जिनका ऑलरेडी एक्ने एंड पिंपल्स है वो भी ये यूज़ कर सकते हैं। अगर कवरेज के बारे में बताऊँ तो या ये बहुत ही हाई कवरेज देता है, आपको थोड़ा सा ही लेना है, पहले थोड़ा सा अप्लाई करके आप देखिए कितना अच्छे से हाई कवरेज देता है आपकी स्किन को। अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स के मार्क्स हैं, एक्नेज है, उनके मार्क्स है तो वो बहुत ही इजीली हाइड कर देगा ये प्रोडक्ट। हाई कवरेज वाला फाउंडेशन जिनको चाहिए उनके लिए हाईली रिकमेंडेड है, बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन को कवरेज देता है। एसपीएफ होने के कारण ये आपकी स्किन को डैमेज नहीं करेगा सन से हो, या फिर अगर आप इवनिंग पे भी यूज़ करते हो तो इवनिंग में भी हम लोगों को लगता है कि डैमेज नहीं होगा स्किन क्योंकि सन नहीं है, लेकिन ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। लाइट्स पे भी हम लोगों का स्किन जो है डैमेज हो सकता है, तो इसका यही एक प्लस पॉइंट है। तो आप इजीली ये मॉर्निंग या फिर नाइट्स एवरी टाइम यूज़ कर सकते हो। अगर शेड्स के बारे में बताऊँ तो अभी इनका जो करेंटली जो शेड्स है वो 17 शेड्स में आते हैं। आप अगर चाहो तो ऑनलाइन पर जाके बस चेक कर सकते हो, वहाँ पर सभी शेड्स आपको मिल जाएंगे एंड आपका जो शेड है वो भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। वहाँ पर पूरे डिवाइड करके दिया हुआ है, मतलब वार्म, कूल एंड न्यूट्रल, अंडरटोन जिन जिन का है वो अलग से डिवाइड करके दिया हुआ है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली मार्केट पे भी जाके परचेस कर सकते हो। आई डोंट नो कि मार्केट पे आपको सभी शेड्स जो है अवेलेबल मिल जाएंगे या नहीं क्योंकि इनका 17 शेड्स आते हैं, तो आप अगर फर्स्ट टाइम परचेस कर रहे हो तो एक बार मार्केट पर जाके खुद हैंड पे अप्लाई करके उसके बाद ही परचेस करो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अदरवाइज आप अगर कॉन्फिडेंट हो कि मेरा अंडरटोन कूल है, मुझे यही चाहिए शेड, तो या तो आप डायरेक्ट ऑनलाइन पे परचेस कर सकते हो। तो ये मैंने बेसिकली नायका से परचेस किया था, लेकिन फर्स्ट टाइम जब मैंने परचेस किया था तब मैंने मार्केट पे जाके ही अपना शेड चेक करके उसके बाद ही मैंने परचेस किया था। तो चलिए अभी दिखाते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में आपको बहुत ही अच्छे से डिफरेंसेस पता चल जाएगा।
एप्लीकेशन। आई होप आप लोगों को जितना भी डाउट था वो क्लियर हो गया है। एप्लीकेशन में आपको पता चल गया होगा कि कितना अच्छे से हाई कवरेज मिलता है इस प्रोडक्ट में। अगर आप हाई कवरेज वाला फाउंडेशन ढूंढ रहे हैं तो या ज़रूर आप ये परचेज़ कर सकते हो। ओवरऑल अगर ये फाउंडेशन के रिव्यू के बारे में बताओ तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, हाईली रिकमेंडेड है उनके लिए जो हाई कवरेज वाला फाउंडेशन ढूंढ रहे हैं, जिनके स्किन पे एक्नेस पिंपल्स है, जिनके स्किन पे ओपन पोर्स है, वो फाउंडेशन आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कौन सा फाउंडेशन अच्छा होगा उनके स्किन के लिए, तो उनके लिए ये प्रोडक्ट एकदम परफेक्ट है। क्योंकि ये पोरलेस फाउंडेशन है, पोरलेस मीन्स जिनके स्किन पे ऑलरेडी पोर्स है उनकी स्किन के पोर्स को क्लॉक करके स्किन पे अच्छे से अप्लाई हो जाएगा और फिट हो जाएगा एंड मैट टेक्सचर देगा। एंड जिनका स्किन पे एक्नेस होने का डर है वो भी यूज़ कर सकते, क्योंकि पोरलेस फाउंडेशन होने के कारण दोबारा से न्यू एक्नेस एंड पिंपल्स होने का चांसेस भी बहुत कम रहता है। एंड SPF 22 होने के कारण ये आपकी स्किन को डैमेज नहीं करता है, सन से प्लस लाइट से भी डैमेज नहीं करेगा। एंड अकॉर्डिंग टू द प्राइस बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट की पैकेजिंग बताओ तो बहुत ही अच्छा है। तो फाइनली ये था मेरा रिव्यू वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो के एंड में लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए, ताकि आगे से जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप वो देख पाए।